हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के बंद हो गए और बहुत सारे लोगों के बंद भी हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी राशन कार्ड धारक हैं, जो अपना नए मेंबर्स का नाम ऐड करवाना चाहते हैं, यानी उनका राशन कार्ड पहले से मौजूद था, अब उनके फैमिली में एक बच्चा आ गया है या दो बच्चा आ गया है, या जिनका राशन कार्ड पहले से बना हुआ था उनके घर में बहू आ गई है और वो अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं या फिर हटवाना चाहते हैं, तो इस सब के रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है जो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जो राशन कार्ड है वो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप देश में कहीं भी रहें राशन का उठाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि एक सर्वे में पता चला है जिसमें बताया गया है कि 48% भारत के 48% लोगों को ही मात्र पता है कि आपका जो राशन कार्ड है उससे आप कहीं और भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे बिहार को ही आप देख लो, क्योंकि मैं बिहार के रिगार्डिंग ज्यादा वीडियो बनाता हूं, तो यहाँ पर बिहार में जो लोग हैं वो घर कम बाहर ज्यादा रहते हैं, कुछ लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे प्रदेश में रहते हैं, तो कुछ लोग फॉरेन में भी रहते हैं, जैसे दुबई, कतर, सऊदी, मस्कत, ओमान वगैरह में भी रहते हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता, और जो अपने बिहार से बाहर स्टेट में रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, या कोलकाता रहते हैं, या और भी कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है और ऐसे स्थिति में उनका जो राशन है वो उठा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करिए, सबको वीडियो शेयर करिए कि आपका राशन कार्ड अगर कहीं का भी है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे इंडिया में कहीं भी अपना राशन उठा सकते हैं। परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति का आधार सीडिंग होता है, सीडिंग नहीं है तो सीडिंग जाकर के करवा लीजिए, और फिंगरप्रिंट लगा करके आप कहीं भी राशन का उठाव कर सकते हैं। सितंबर 2021 से वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत हो गई है। ठीक है, आगे आपको बता दें, नया राशन कार्ड कब बनेगा सरकार की तरफ से? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर नया राशन कार्ड कब बनेगा। देखिए, बिहार के लिए तो यहां पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोगों का कार्ड बन गया है लेकिन अभी वो जुटा नहीं है। आपका बना है नहीं बना है नीचे कमेंट हमें जरूर करिएगा। और आप चाहते हैं कि बना करके राशन कार्ड मिले, क्योंकि जनगणना के आधार पर जो NPR होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके आधार पर ही राशन कार्ड तैयार होता है। और ये हुआ था 2011 में, 2011 के बाद फिर नहीं हुआ है, 11, 12, 13 टाइम लग गया, तो उसमें तो 3 साल का टाइम लगता ही है। ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है यानी NPR है, जो वो 2023 से स्टार्ट होगा अगले साल से, और इसमें हो सकता है, मुझे लगा ऐसा लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का समय लग सकता है। तो ऐसे में यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप बनवाना चाहते हैं, तो अभी ऑनलाइन आपका व्यवस्था है बिहार के लिए। बाकी प्रदेशों के लिए मैं बता दूं कि आप अपने मुखिया को पकड़ सकते हो, अपने पार्षद को पकड़ सकते हो, जनप्रतिनिधि को आप पकड़ सकते हो, उनसे बनवा सकते हो, या अगर वो नहीं सुनते हैं, हालांकि काम तो उनका होता है, क्योंकि हम उनको चुनते हैं किस लिए, अपनी समस्या जो आपकी होती है, हमारी जो समस्या होती है उसको लेकर हम सीधे अपने प्रधान के पास जाए, क्योंकि वो गांव के होते हैं ना, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड पार्षद हो, हम इसलिए तो चुनते हैं उनको कि वो हमारी सेवा कर सके, बाकी वो समझेंगे ब्लॉक से कैसे बनाना है नहीं बनाना है, आप अपनी समस्या उन तक रखिए, नहीं अगर सुनते हैं वो तो अगला इलेक्शन में उनको वोट मत दीजिए। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप सीधे चले जाइए अपने ब्लॉक में, वहां पर आपका खाद्य आपूर्ति विभाग का एक ऑफिस ही होता है, बिहार में तो RTPS काउंटर भी है, वहां पर आप अपना समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नया बनाना चाहते हैं तो आवेदन दीजिए, नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो आवेदन दीजिए, आधार कार्ड जो उसमें दस्तावेज है उसके साथ, ठीक है, और अगर नाम कटवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवेदन दीजिए। अब बैठ के कोई काम होगा नहीं, घर पे बैठ के कोई काम होगा नहीं, आपका जो राशन कार्ड रिजेक्ट हुआ है वो उत्तर प्रदेश वाले लोग का हुआ है, सिर्फ आगरा डिस्ट्रिक्ट में, सबका नहीं हुआ है, सबका ये भरम है कि सबका हो गया है, सबका राशन कार्ड डिलीट नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हो गया था, वो भी उन लोगों का हुआ था जिनका कोरोना काल में सरकार की तरफ से ये निर्देश आया था कि जो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं वो राशन कार्ड बनवाएं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास
सब कुछ था, लाखपति थे, करोड़पति थे, अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा रोजी रोटी सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, मकान था, पैसा था, नौकरी था, आईटीआर भरते थे, ऐसे लोग भी राशन कार्ड बनवा लिए, तो गरीबों का हक मार लिए, तो ऐसे लोगों का सरकार बन की। उसमें जौ के साथ घुन भी पिसता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो राशन कार्ड की अर्हता रखते थे लेकिन उनका भी डिलीट हो गया, तो उन लोगों के लिए सरकार ने फिर निर्देश दिया कि आप जाकर के आवेदन दीजिए, वापस से पुनः चालू करवाइए, पुनः चालू हो भी गया। अभी जो नेक्स्ट एनपीआर होगा 2023 में, समझ लीजिए जो जनगणना होगा, इसके आधार पर आपका राशन कार्ड फिर बन करके आएगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनका खत्म भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जो 2011 में अगर कोई व्यक्ति गरीब था और उसके पास राशन कार्ड का उस टाइम वो अर्हता रखता था, परिवार में कोई कमाने वाले नहीं थे, घर मकान में कंडीशन में नहीं था, नौकरी में कोई नहीं था, अब जो 23 में होगा तो उनकी जो घर का जो स्थिति है वो सब देखेंगे, अधिकारी जो आपके पास आएंगे, जो सर्वे करेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे आपका कि किस तरीके से आपका मकान है, क्या नहीं है, उसके आधार पर वो लिस्ट तैयार करेंगे, लिस्ट सौंपेंगे, उसके आधार पर आपका फिर अगर आप राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते होंगे तो राशन कार्ड आपका बनेगा, अगर राशन कार्ड के लिए अर्हता नहीं रखते होंगे तो जिनका है उनका कट भी जाएगा, ये बात है, ठीक है। और इस बार जो नया वाला राशन कार्ड आएगा, इसमें आपको ये जो कागज वाला दिया गया है ये राशन कार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है, तो ऐसे में आपको स्मार्ट कार्ड जैसा, जैसा वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ऐसा आपको कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड, ठीक है, जिसमें कार्ड में ही लिखा हुआ रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। अब उस कार्ड को लीजिए, आप इंडिया में कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, कहीं से भी आप राशन का उठाव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया हम ये डीलर के पास जाते हैं, ये राशन हमें ठीक ठाक नहीं देते हैं, दूसरा डीलर के पास लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप जहां से भी चाहें राशन का उठाव कर सकते हैं। तो समझ लीजिए फिलहाल 2023 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आगे बताया गया है राशन कार्ड जो बंद हुआ था वो क्यों हुआ था, तो मैंने बता ही दिया, जो उत्तर प्रदेश में आगरा में सबसे ज्यादा हुआ था, उसके तर्ज पर बिहार में सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं था, सरकार से पूछा भी गया कि हमें यह राशन कार्ड अपने बंद करने का ऐसा कोई निर्देश दिया है, तो सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमने इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है। हाँ, कुछ वहां के जो अधिकारी थे, डीएम थे, उनको लगा कि हाँ कुछ लोग आए जो अवैध रूप से राशन कार्ड बना लिए, उन लोगों का राशन कार्ड हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि अब जो राशन कार्ड बनेगा वो वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, स्मार्ट कार्ड होगा। आपके राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको लेकर के आप सीधा ब्लॉक में ही जाइए, आरटीपीएस काउंटर में, या मुखिया से मिलिए, या तो फिर आप जो खाद्य आपूर्ति विभाग का जो ऑफिस होता है वहां पर जाइए। ऑनलाइन अभी प्रक्रिया नहीं है और ऑनलाइन पर ज्यादा विशेष ध्यान भी नहीं होता है। बाकी जिन लोगों का नया बन गया है और चालू डे हुआ है अभी, तो वो एमओ से जाकर के मिलिए और मिल करके उसको अपडेट करवाइए, डीलर के पास आ जाए, फिर आपका राशन मिलने लगेगा। राशन कार्ड के रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का सवाल या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने जिले और अपने स्टेट का नाम भी जरूर करें। चैनल पर नई बार पहली बार विजिट कर रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।